नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से वो कल के वीडियो के साथ ही क्या हो गया था, कंप्लीट। और आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक राजस्थान। तो आधुनिक राजस्थान में हम अपना पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे आज, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति है तो उसमें हमें सिर्फ राजस्थान वाला पार्ट ही पढ़ना है। बाकी 1857 की क्रांति हुई भारत में कई जगहों पर तो वो पूरा नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ 1857 की क्रांति में जो अपने राजस्थान के यहाँ पर क्या योगदान था, यहाँ क्या क्या हुआ, यहाँ के AGG PA कौन कौन थे, उनके बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्रांति से पहले हम समझ लें कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम था, अंग्रेज अधिकारी थे उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था, तो अंग्रेजों ने यहाँ के जो राजाओं को किस कदर गुलाम बनाए रखा था, बाद में क्रांति क्यों भड़की, तो पहले उसकी थोड़ी बहुत भूमिका तैयार करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले राजाओं को अपने अंडर में लेने के लिए कि भाई धीरे धीरे देसी राज्यों में अंग्रेजों की जो राजनीतिक जो परिधि थी वो बढ़ाने के लिए कि भाई हम धीरे धीरे सभी राजाओं को अपने क्या कर लें, एक तरीके से गुलाम कर लें, तो उन्होंने तरह तरह की क्या की नीतियां अपनाई। तो उनमें एक नीति थी सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति, तो सहायक संधि की नीति क्या होती थी, इस नीति में ये अंग्रेज है वो देसी रियासत के जो राजा थे उनको बोलते थे कि हम क्या करेंगे कि आपके राज्यों की जो आंतरिक सुरक्षा है, आपकी जो घरेलू कलह है, आपके राज्यों की आंतरिक जो सुरक्षा है और जो विदेश नीति है उसका उत्तरदायित्व सारा जिम्मा हमारा। हम आपके कहीं पर भी कोई टांग अड़ाएगा उत्तरदायित्व में कहीं भी, और जो आपके राज्य की अंदरूनी आपकी जो कोई सुरक्षा का मामला है वो सब हम देखेंगे, और इसके अवज में आपको हमें क्या देना होगा, एक टैक्स देना होगा, मतलब एक वर्ष की एक कोई निश्चित राशि है वो आपको चुकानी होगी। तो हमारे यहाँ के राजाओं ने क्या कर लिया, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और उनको तो बस क्या चाहिए था, हस्तक्षेप का एक मौका चाहिए था। उन्होंने पहले तो ऐसा बोला था कि हम आपके आंतरिक मामलों में कोई भी क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारा जितना काम है वो हम अपना काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था। अब देखिए, ये सहायक संधि थी, तो बताते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम ये संधि किसने अपनाई, तो भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेजली नाम था से सहायक संधि की थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली से की थी भरतपुर राज्य ने राजस्थान में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। आपको सिर्फ 1803 ही ध्यान में रखना है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही ध्यान में रखो 29 सितंबर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और आगे देखिए, ये संधि की, परंतु और किसने की थी, और अलवर ने की थी इसके बाद में। अलवर ने की थी 14 नवंबर 1803 में, ये संधि कर ली, बता दिया संधि क्या थी, किस प्रकार की संधि थी आपको। और वैसे आपको राजस्थान का ही ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर ने की, बाद में अलवर ने भी ये संधि की थी। और भारत का आपका कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान में रख लेना कि भारत में इस प्रकार की जो प्रथम सहायक संधि है वो 1798 ईस्वी में की थी, और किसने की थी, हैदराबाद का निजाम। ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना लंबा चौड़ा। अब देखो, एक तो ये नीति थी, और एक नीति थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सबोर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, इस नीति के अंतर्गत क्या होता था, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अभी आपको जस्ट समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि लिखा हुआ सारा का सारा PDF में है, आपको PDF मिल जाएगी, और PDF कहाँ मिलेगी तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना। तो देखिए, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति क्या है कि जो यहाँ क्या थे, यहाँ के जो देसी राजा थे वो मराठों और पिंडारियों से बहुत ज़्यादा क्या थे, दुखी थे, क्योंकि वो लूट खसोट इनको तंग करते ही रहते थे आए दिन। तो इन राजाओं के साथ जो गवर्नर जनरल था उस समय का, लॉर्ड होल्डिंग्स, उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो मैं बता दूं, लॉर्ड होल्डिंग्स का 1817 से लेके 23 तक है। ठीक है, तो उस लॉर्ड होल्डिंग्स ने क्या कहा
कि हम क्या करेंगे, इन्हीं से आपको क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। जो मराठा है और जो पिंडारी है उन सब से आपको सुरक्षा देंगे और आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इसकी अवज में भी इनको क्या देनी होगी, एक रकम देनी होगी। तो ये नीति अपनाई थी और इसमें सर्वप्रथम करौली राज्य आया। कौन आया? सर्वप्रथम करौली राज्य। करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 में अंग्रेजों से इस बात पर क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। और बाद में जो कोटा था, कोटा के प्रशासक थे उस समय जाला जालिम सिंह, उन्होंने भी इस प्रकार की संधि कर ली थी 26 दिसंबर 1817 को। आगे बात समझ में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये संधियां, ये तो मैं पहली दूसरी बता रहा हूं, तो धीरे धीरे ऐसे करते करते 1818 की डेट आई ना, जब तक 1818 ईस्वी तक अंत तक सभी रियासतों को, सिर्फ सिरोही रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। और इन संधियों में, जो ये संधियां करवाने में राजाओं, रियासत, जो रियासतों के राजा थे और अंग्रेजों में, इनमें जो मेन योगदान था वो किसका था, एक तो था चार्ल्स मेटकॉफ और कर्नल टोड का। इनका क्या था, मेन योगदान था। अब देखिए, और अंग्रेज इनको कैसे कैसे परेशान करेंगे भारत वालों को, तो और अंग्रेजों का जो परेशान करने का ये तरीका था कि एक अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि गवर्नर जनरल कैसे होता था, जिसको जीजी बोलते थे, गवर्नर जनरल एजीजी क्या होता था, उनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने, अंग्रेजों ने कैसे जाल बिछाया था भारत में। तो उसके लिए आपको एक साफ पेज पर पहले डायग्राम टाइप बना के बता देते हैं। तो पेन चूज करते हैं, रेड में लिखेंगे। देखो, जैसे कि अंग्रेज किधर से आए थे, ब्रिटिश साइड से, तो ब्रिटिश के थे, तो ये ब्रिटिश है। अब ब्रिटिश में उस समय क्या था, एक पीएम था। जब अपने 1857 की क्रांति होगी उस समय का बता दूं सारा ही, तो पहले डांसा समझ लो आप एक बार। ब्रिटिश में क्या था, पीएम था। उस पीएम ने भारत में एक जीजी, जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल नियुक्त कर रखा था, ठीक है। उस गवर्नर जनरल ने क्या किया था, ये पूरे भारत का है। अब अलग अलग राज्यों में इसने, प्रत्येक राज्य में एक छोड़ रखा था, जैसे अपने राजस्थान में था एजीजी, तो ये राज्य स्तर का अधिकारी था। इस ये एजीजी होते थे ना, इनका जो पूरा नाम होता था वो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। क्या होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ऐसे सभी राज्यों में लगा रखे थे, ठीक है। अब देखो, ये एजीजी बैठेगा राज्य स्तर पर, ये जो जीजी है गवर्नर जनरल, ये बंगाल बैठता था, और ये है पूरे भारत पर। और अब ये एजीजी क्या करेगा, ये तो खुद बैठेगा अजमेर में, क्योंकि अंग्रेजों का जो मुख्यालय था राजस्थान में वो अजमेर में था, और जो अंग्रेज थे वो सर्दियों में, जो ये एजीजी था ना, वो बैठता था अजमेर में, और जैसे ही गर्मियाँ आती तो ये अपना ऑफिस कहाँ रख लेता, आबू में, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी और सर्दियों में तो ये अजमेर रह जाता, और गर्मियों में ये कहाँ चले जाते, माउंट आबू, अपने जो आबू है ना वहाँ पर। तो अपने अंग्रेजों का राज्य स्तर का अधिकारी कौन हो गया, एजीजी। अब एजीजी ने सभी राज्यों में, सभी जो देसी रियासतें थी अपनी, जो जैसे अपने राजस्थान में जोधपुर रियासत हो गई, आमेर है, कोई भी मेवाड़ रियासत है, इन रियासतों में अपने पीए छोड़ रखे थे। पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट क्या करते थे, उस राजा के राज दरबार में जाते और वहाँ बैठकर सारा कुछ ध्यान में रखते, और मिनट मिनट की खबर किसको देते, एजीजी को। और इसी प्रकार सभी राज्यों के एजीजी खबर किसको देते थे, जीजी गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल किसको देता था, ब्रिटिश जो पीएम था उसको। ऐसे करके इनका पूरा क्या बनाया हुआ था, ढांचा बनाया हुआ था। अब देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत वालों को, भारत वालों से लड़वाया। तो अंग्रेजों का एक रूल था कि जैसे जो सेना बनाते थे वो सेना ब्रिटिश से नहीं लाई, यहीं की जो लोग थे उनको सेना में भर्ती कर लिया, और उन सेना के जो सेना में अधिकारी थे वो अधिकारी सारे कौन थे, अंग्रेज अफसर, ठीक है। अब युद्ध होता तो कौन मरेंगे, यही मरेंगे आपस में, अंग्रेज अफसर। और एक रूल और था कि हमारे यहाँ का कोई लोकल कितना भी मतलब गुणवान योग्य क्यों ना हो जाए, उसको एक लिमिट के बाद में आगे के पदों पर उनको पदोन्नति नहीं देते थे, मतलब उनको ऊंचा पद कभी भी नहीं सौंपा जाता था,
ठीक है, इस प्रकार से ये ढांचा था। अब देखो हुआ क्या था, अब हम आपको बताते हैं और अंग्रेज कैसे कैसे परेशान करते थे यहाँ के, मतलब बहुत अत्याचार किया। जैसे अंग्रेजों से गुलाम होने के बाद में राजा राजा नहीं रहा, कैसे नहीं रहा देखो, ये कितनी मनमानी करते थे, उनके बारे में एक उदाहरण और देते हैं। एक यहाँ पर गवर्नर जनरल था भारत का 1848 ईस्वी में यहाँ का गवर्नर जनरल था भारत का, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। इसने एक नीति बनाई, वो नीति थी विलय की नीति को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो इस नीति के अनुसार क्या था कि जैसे मान लो कोई देसी रियासत है, उसका कोई राजा है, उसकी निसंतान मृत्यु हो गई, तो उसकी जो रियासत होगी ना वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाएगी, मतलब वो रियासत फिर अंग्रेजों की हो जाएगी। जैसे कोई राजा उसके बेटा नहीं और वो मर गया ना, तो मतलब उसकी रियासत है वो अब अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। इसका यहाँ के लोकल जो लोग थे उन्होंने खूब विरोध किया, लेकिन विरोध को कौन दबा देते थे, अंग्रेज दबा देते थे हर बार। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई हमारे भाई राजा हैं कैसे भी हो, लेकिन हमारे क्या हैं, राजा हैं चाहे अच्छे बुरे कुछ भी, ये बाहर वाले आके अपनी पूरी रियासत पर ही कैसे अधिकार जमा रहे हैं। अब देखो हुआ क्या था, इसके तहत ये जो नीति थी ना विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको ऐसे बता देते हैं, सतारा और 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो एक ये नीति थी, इससे भी क्या हुआ था, अपने यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से दुखी थी। और ये पहले तो ये नीति इन्होंने बताई थी कि भाई हम सहायक नीति है, ये है, आप इतना निश्चित पेमेंट दे देना और हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों को। और ब्रिटिश सरकार यहाँ पर अधिकाधिक क्या करती थी, धन का दोहन करती थी। पहले यहाँ क्या होता था, जैसे राजा होते थे, राजा की रियासत थी, रियासत में जागीरें थी, तो जागीरदार वगैरह थे, वो किसानों का ऐसे शोषण वगैरह नहीं करते थे, एक निश्चित कर था जिससे सभी का काम चलता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूलना शुरू किया, तो राजाओं को ज़्यादा धन देना पड़ता, तो राजा जागीरदार पर क्या करते, उनकी खिंचाई करते, और फिर जागीरदार किसानों पर बहुत ज़्यादा क्या करते थे, अत्याचार करते थे। इससे जनता का अपने राजाओं में विश्वास भी क्या हो गया था, कम हो गया था। और दूसरी बात, जैसे अपने यहाँ रियासत है, रियासत के राजा के पास मुख्य कोई सेना नहीं होती थी, नियमित सेना, वो सेना है वो क्या करते थे, वो जागीरदारों पर निर्भर रहते थे। जागीरदारों के पास निश्चित छोटी छोटी क्या होती थी, सेनाएं होती थी, तो जब भी कोई युद्ध वगैरह होता तो वो इन सबको बोल देते थे और सेनाएं आ जाती थी। तो इस प्रकार का मामला था। लेकिन जब अब ये क्या हो गए, इन्होंने राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली, तो अब इनको कोई आंतरिक मामले में सेना वगैरह चाहिए तो ये सीधा अंग्रेजों को खत भेजते थे। तो अब इन राजाओं को, इन जागीरदारों की भी क्या थी, जागीरदारों की ये क्या करने लगे, उपेक्षा करने लगे। ठीक है, तो ये भी कारण था जिससे इनके जो जनता, जागीरदार और राजा, इनके बीच संबंधों में फर्क आया, एक ये चीज भी थी इसमें। अब देखो और कैसे, अब क्रांति कैसे भड़केगी, क्रांति का क्या कारण है, इसमें बताते हैं कि जो सेना थी। ठीक है, पहले आपको पूरा बता देता हूँ कि अपने यहाँ छावनियाँ कितनी थी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ था मामला, वो सारा बता दें। अब 1818 ईस्वी तक हमने बता दिया आपको कि भाई सभी जो रियासतें थी उन्होंने सिर्फ सिरोही रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने क्या कर ली थी, जो ये नीतियाँ थी ना, सहायक संधि नीतियाँ वगैरह और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, इनके तहत उनसे संधि कर ली थी। और जो सिरोही रियासत थी उसने सबसे अंत में 1823 ईस्वी में क्या की थी, जो ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, इसको आश्रित पार्थक्य की नीति भी बोलते हैं, इसे सबऑर्डिनेट अलायंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें सिरोही शामिल हुआ था 1823 ईस्वी में। अब देखिए अब होता क्या है, अंग्रेज यहाँ भारत में है, भारत में अंग्रेजों ने आए यहाँ पर राजस्थान, और राजस्थान में अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बनाया कहाँ पर, अजमेर। अब वो सर्दी में तो अजमेर रहेंगे और गर्मी में अपना ऑफिस कहाँ रखेंगे, आबू। और अजमेर में अपना एक एजीजी क्या किया अंग्रेजों ने नियुक्त, जो पूरे राजस्थान राज्य स्तर का अधिकारी है, इसको बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखो जो पहला एजीजी आया अंग्रेजों की तरफ से अपने राजस्थान में राज्य स्तर का अधिकारी, उसका नाम था लॉकेट। क्या नाम था? लॉकेट था। और अंग्रेजों ने यह मुख्यालय कब बनाया, यहां पर ऑफिस वगैरह कब लगाया, कब एजीजी आया? 1832 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो होता क्या है, ये जो क्रांति वगैरह कैसे बढ़केगी, तो इसको लेकर मैं पहले आपको छावनियां बता दूं, क्योंकि छावनियां मेन है। सभी छावनियों में क्या होगा, अलग 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 क्रांति भड़केगी। और क्रांति का कारण ये बताते हैं कि यहाँ पर एक राइफल थी, जैसे सेना में जो सैनिक वगैरह होते हैं ना, वो राइफल यूज में लेते हैं ना, तो वो राइफल थी, वो एक कारण बनेगी। बताते हैं कि तात्कालिक कारण था क्रांति का उस समय का, तो बताते हैं सेना में एनफील्ड राइफल। सेना में कौन सी राइफल थी? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में बताया कि जो इसके ऊपर जो कारतूस है, ये राइफल ऐसी थी कि इसमें जो कारतूस यूज में लेते थे, उस कारतूस को मुंह से पहले तोड़ना पड़ता था, फिर बताते हैं कि उसका खोल तोड़ते थे और उसके बाद इसमें लगा के बंदूक में, और फिर ऐसे ये गोली दागते थे, ऐसा मामला था। तो बताते हैं कि एक किसी, कोई तो बोलते हैं कि किसी ने अफवाह फैला दी, और कोई बोलते हैं कि भाई सच में ऐसा कुछ था उसमें, लेकिन जो भी कारण रहा हो, इन सेना में क्या बात फैली, वो बात ये थी कि जो अपन एनफील्ड राइफल यूज में ले रहे हैं और उसमें जो हम कारतूस लगा रहे हैं, उसके खोल को जो हम तोड़ रहे हैं, वो खोल है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। ठीक है, तो यदि अफवाह फैलाई तो भी अफवाह फैलाने वाला जोरदार आदमी था। देखो अब गाय से क्या होगा, हिंदू लोग भड़केंगे, और सुअर की चर्बी तो इससे कौन भड़केंगे, मुस्लिम। तो सेना में यहीं के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, तो दोनों के ही क्या हो गई, धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो गई कि भाई इंसान कुछ भी सहन कर ले, लेकिन अपने धर्म पर आँच सहन नहीं कर सकता। धार्मिक मुद्दा होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, भड़कता है। इसी वजह से आप देखा करो, जैसे वोट वगैरह हो तो सबसे ज़्यादा धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर वोटों को बांटने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर ये तात्कालिक कारण बताते हैं 1857 की क्रांति का। और वैसे भी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग परेशान हो चुके थे, बोले कि ये अपने लोगों को ही, अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार के लिए भड़का रहे हैं वगैरह, तो इसके लिए 1857 की क्रांति होती है कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। तो प्लानिंग तो क्या थी, प्लानिंग ये थी कि हम ऐसा करेंगे, एक निश्चित डेट तय करते हैं, जैसे ये भारत है, ये भारत का नक्शा है, और अंदर ये अपना यहाँ पर राजस्थान, बोले कि एक साथ ही एक ही दिन हम क्रांति करेंगे, विद्रोह कर देंगे सभी जो सैनिक छावनियाँ हैं, क्योंकि सैनिक सारे हम ही हैं यहाँ के लोग, तो हम विद्रोह कर देंगे, और अंग्रेज जहाँ पर भी जो अंग्रेज दिखेगा सीधा उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो ऐसा करके, और जब हम एक साथ इतना करेंगे तो तब ये व्यवस्था भी नहीं बना पाएंगे अंग्रेज, और यहाँ पर सारे अंग्रेज अधिकारी मारे जाएंगे, और जितने भी अंग्रेजों के साथ में परिवार आए हैं वो सारे नष्ट कर देंगे, जिससे अंग्रेजों की सत्ता यहाँ से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कारण बता दिया किस कारण जनता परेशान हुई, और तात्कालिक कारण क्या था उस समय का 8% कि वही एनफील्ड राइफल में जो कारतूस आता है उसका खोल गाय और सुअर की चर्बी से बना होता है, वो बता दिया। और ये भावना क्या थी 1857 की क्रांति के पीछे का, जो टारगेट क्या था वो भी बता दिया। अब लोगों ने प्लानिंग की कि भाई ये क्रांति है तो क्रांति का बिगुल कैसे बजाया जाए। तो क्रांति के लिए पहले जो गुप्त रूप से शुरुआत हुई थी कि भाई सभी को सूचना दो कि इस डेट को क्या करनी है, क्रांति करनी है। तो बताते हैं कि क्रांति के लिए एक तारीख निश्चित की गई थी कि 31 मई 1857 को पूरे भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेज हैं सभी जगह एक साथ क्या करनी है, क्रांति, विद्रोह करना है। ठीक है, और इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह रखा था, कमल और चपाती। अब जहाँ पर भी जाते ऐसे तो थाने के अखबार में प्रेस लगा दें, ठीक है, सीधा प्रेस में निकाल दें अखबार में कि भाई ये क्रांति करनी है, क्योंकि सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था और अंग्रेजों को पता भी नहीं चलना चाहिए। कार्य गुप्त रूप से होता था, रात को जैसे तैसे काम मिलता, गुप्तचरों के माध्यम से आगे सूचना पहुँचाई जा रही थी हर गाँव तक, हर जगह जगह जहाँ जहाँ सैनिक छावनियाँ सब जगह। कमल और चपाती देते ही बात बता देते थे, वो आगे फिर से कमल चपाती देते, तो ऐसे सब लोग समझ गए थे, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा एकजुट किया जा रहा था भावनात्मक रूप से। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब मैं पहले बता दूं आपको, ड्रॉ कर दूं सारा कि क्रांति कैसे भड़केगी। तो क्रांति के समय जब क्रांति अपने यहाँ पर भड़की,
1857 की क्रांति हुई तब अंग्रेजों के कौन कौन से कहां कहां अधिकारी थे, तो अपने राजस्थान में और ये अपने यहाँ भारत में, भारत में इधर बंगाल साइड यहाँ मान लो। अपने भारत में उस समय जो जी जी था, गवर्नर जनरल था, वो था क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति हुई तब भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इससे ऊपर भी पूछ ले मान लो, यदि पूछेगा तो नहीं, तो ब्रिटिश पीएम कौन था उस समय जब अपने यहाँ 1857 की क्रांति बढ़ की, तो उस समय था पार्म स्टर्न। और जब क्रांति हुई तब अपने राजस्थान में एजीजी कौन था, तो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और अपने यहाँ पीए कौन कौन थे, तो अपने जो पॉलिटिकल एजेंट छोड़े हुए थे राजस्थान में अपने इस एजीजी के, वो पीए कहलाते थे। जो पीए छोड़े थे एजीजी ने अलग अलग जगह जगह जहाँ जहाँ ये रियासतें वगैरह थी, तो कोटा में पीए छोड़ रखा था एजीजी ने, मेजर बर्टन। मेवाड़ में छोड़ रखा था मेजर सावर्स। मारवाड़ में था मैक्सेसन। ये पीए छोड़ रखे थे उस समय के। जयपुर में था कर्नल ईडन। और भरतपुर में कौन था, मॉरिसन। ठीक है, तो ये अपना उस समय का ढांचा था। तो समझ में आ गई बात, 1857 की क्रांति में कौन पीएम है, कौन जीजी है, कौन एजीजी है, और कौन कौन से पीए हैं। अब पीए का याद रखने का तरीका देख लेना, कोटा से कोट के क्या लगे होते हैं, बटन। और मेवाड़ में क्या है, उदयपुर। और उदयपुर में क्या है, सावर्स, झरने वगैरह हैं स्नान के लिए। और ये देखो जयपुर, जैसे अपने बड़े बड़े खेल स्टेडियम होते हैं ना, जैसे ईडन गार्डन वगैरह, वैसे अपने जयपुर में भी, राजस्थान में तो जयपुर में ही है, खेल कोई बड़ा करवाना हो इंटरनेशनल लेवल का, तो SMS, तो अपने जयपुर का ईडन गार्डन वही है, तो जयपुर में ईडन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब हुआ क्या, अपने अंग्रेजों की छावनियाँ भी थी राजस्थान में, तो छावनियाँ कौन कौन सी है, पीए एजीजी वगैरह तो आपने देख ली। अपने यहाँ पर छावनियाँ थी छः। कौन कौन सी छावनियाँ थी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। छः छावनियाँ थी। तो पहले नंबर लिखो नसीराबाद अजमेर, एक छावनी थी अपने अजमेर में। दूसरी नीमच, अब नीमच कहाँ है, MP में। अब बोलोगे कि ये राजस्थान में क्यों लिख रहे हो, तो उस समय तक ऐसे नहीं था कि यहाँ MP है वो है, तो ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था नीमच, MP वाला। एक छावनी थी एरिनपुरा, और एरिनपुरा कहाँ है, पाली में। देवली टोंक में। खेरवाड़ा कहाँ है उदयपुर। और ब्यावर अजमेर। अब हुआ क्या था क्रांति को लेकर, क्रांति में ये बात तो चल रही थी कि भाई 31 मई से हमको क्या करना है, जो विद्रोह करना है, और लेकिन क्रांति क्या होती है, समय से पहले ही भड़क जाती है। तो समय से पहले भड़क जाती है, तो यही एक सबसे बड़ी वजह थी 1857 की क्रांति असफल होने का, कि क्रांति समय से पहले भड़क गई। अब देखो, अब क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, तो बताता है कि मेरठ में 10 मई को क्रांति क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। 10 मई को ही समय से पहले ही क्रांति भड़क गई। अब यही वजह थी कि 1857 की क्रांति क्या हुई थी, फेल हुई थी। ये इस सबसे बड़ी यही वजह, क्योंकि सारे लोग एक साथ हुए नहीं एक्टिव, तो एक साथ विद्रोह नहीं किया, तो अंग्रेजों ने व्यवस्था बना ली, इधर वाली इधर सेना बुला ली, कई राजाओं का सहयोग ले लिया, तो इस वजह से अपनी ये क्रांति क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। और अपने राजस्थान में सबसे पहले देखो, भारत का पूछे कि 1857 की क्रांति भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, कहाँ से विद्रोह उत्पन्न हुआ, कहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई, तो वो है मेरठ से। मेरठ में 10 मई को हुई थी। और यदि राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान में अपने 1857 की जो क्रांति की ज्वाला सबसे पहले कहाँ भड़की, तो राजस्थान में सबसे पहले ये ज्वाला भड़की थी नसीराबाद छावनी में, नसीराबाद
छावनी। यहाँ राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857 को, ठीक है। और ये कैसे हुई उसका कारण बता दूं कि पहले क्या क्या हुआ था। तो स्टोरी हुई ऐसे कि मेरठ से जो नसीराबाद की कोई एक बटालियन थी वो मेरठ गई हुई थी, उसका नाम वगैरह बता दूं आपको पहले पूरा डिटेल से, नया पेज ले लेता हूँ, ये लीजिए सिलेबस को हटा दें बीच में से, अब सीधा ठीक रहेगा। देखो हुआ क्या था, अजमेर अपने राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का क्या था, प्रमुख केंद्र था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एजीजी थे यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो अजमेर की सुरक्षा हेतु यहाँ पर क्या थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये यहाँ पर क्या थी, एक टुकड़ी थी सेना की। तो वो क्या हुआ कि जो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये क्या हुआ उसी समय मेरठ से आई हुई थी, कहाँ आई, अजमेर आई। तो अब जैसे ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मालूम चला कि भाई खत तो मिल गया, सभी को अलर्ट कर दिया गया कि भाई ऐसी बात हुई है मेरठ में और ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आप भी अपने अपने जगह क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, और अपने जो देसी रियासतों के राजा हैं उनको भी बोल दो कि हमारी हेल्प के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तब इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि ये जो 15वीं बटालियन है, ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये जो सैनिक टुकड़ी आई है, ये अभी अभी मेरठ से आई है, तो इसके मन में भी क्रांति के क्या होंगे, बीज होंगे, तो कहीं ये विद्रोह ना कर दे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन सैनिकों को यहाँ से हटाया और बताते हैं कि कहाँ शिफ्ट कर दिया, नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। और साथ ही साथ एक चीज़ और की कि इन्होंने ब्यावर से 2 मेर पलटने अजमेर बुला ली, कहाँ से, ब्यावर से, ब्यावर में मेर पलटन थी, उन मेर पलटन को बुला लिया अजमेर। अब क्या हुआ, सैनिकों को ये बात मालूम तो थी क्रांति वाली पूरी, और फिर यहाँ से हटाया तो भी इनके मन में ये आ गया कि भाई इन्होंने हम पर अविश्वास जताया है, कैसे कि भाई सैनिक यदि अजमेर में क्रांति वगैरह कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, तो उस समय अंग्रेजों का केंद्र अजमेर ही था और यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद लाव लश्कर सारा यहीं पर था, ये समझ लो अंग्रेज सारा राजस्थान यहीं से हैंडल करते थे, तो खूब सारा गोला बारूद सभी इनके हाथ ना लग जाए, कहीं क्रांति यहाँ से ज़्यादा नहीं भड़क जाए। और नाक का सवाल भी था कि भाई अंग्रेजों का मुख्यालय उसी को उड़ा दिया, तो इस वजह से भेज दिया नसीराबाद। और इनके मन में ये आ गया कि ये लो जी हम तो इतना इनके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनको तो हम पर क्या नहीं है, विश्वास ही नहीं है। और साथ ही साथ हमारे जाने के बाद ब्यावर वालों को यहाँ बुलवा लिया। और क्या किया था इसने, डीसा से यूरोपियन पलटन भी अजमेर भेजे जाने के आदेश दे दिए, किसने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। ये बताते हैं कि ये यूरोपियन पलटन थी, ये गुजरात साइड थी, तो इसमें क्या थे, वो सारे के सारे अंग्रेज सैनिक थे, तो उनको बुला लिया कि भाई यहाँ के देसी राजा वगैरह कोई सहयोग नहीं दे तो भी जान बचाने के लिए कुछ सैनिक तो चाहिए जो यूरोप के हो, तो उनको यहाँ पर बुला लिया। मतलब ये पूरी तरीके से क्या हो गया था, अलर्ट हो गया था। अब हुआ क्या, ये यहाँ पर गए नसीराबाद। अब बताते हैं कि यहाँ पर एक और बटालियन थी, उसको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया था। जब क्रांति होगी तब मैं आपको बताऊँगा आगे कि अभी क्रांति नहीं होगी, अभी देखो और क्या क्या होता है यहाँ पर वो बताता हूँ मैं। अब ये 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे इनमें क्या हुआ, ये संतोष बढ़ने लगा। अब जो संघर्ष को टालने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, जो अंग्रेज सैनिक और एक और बम्बई लांसर्स, वो भी क्या थे, सैनिक थे, को नसीराबाद छावनी में गश्त लगाने का निर्देश दिया कि आप क्या करो, इन सैनिकों पर क्या रखो, नज़र रखो, कहीं भी आपको 1800 जो ये क्रांति है, इस क्रांति के सुख बुगाट, विद्रोह की कोई बातें वगैरह आप में आपको नज़र आती है कि नहीं आती है, इनकी हरकतों को क्या करो, नोट करो। जो तो बम्बई लांसर्स वगैरह लगा दिए इन्होंने यहाँ पर, तो इससे भी क्या हुआ था, इनमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, असंतोष बढ़ गया, और मतलब इनका गुस्सा क्या था, चरम सीमा पर, कि एक तो पहले तो शोषण कर रहे हैं, दूसरा हम इनके लिए काम कर रहे हैं, और ऊपर से इतना अविश्वास वगैरह। तब बताते हैं कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को भी अपनी ओर मिला लिया था और विद्रोह कर दिया था और तोपों को अपने अधिकार में ले लिया। और यहाँ जो नसीराबाद की छावनी थी, यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था न्यूबरी नाम था, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये अंग्रेज गया
इसको मार दिया। और बताते हैं कि जो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये तो आई ही थी यहाँ से मेरठ से, और इसने जो यहाँ पहले से उपस्थित 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी अपने साथ मिला दिया। और जो भी रास्ते में जो गोरा दिखाई दिया यहाँ पर नसीराबाद छावनी में, उसको क्या कर दिया, सीधा ही मौत के घाट उतार दिया। तो इसमें कैप्टन न्यूबरी और वुड नाम का एक अधिकारी था, वो दोनों ही मारे गए थे। और जो नसीराबाद छावनी में इन्होंने अपना एक क्रांतिकारी नेता भी तय कर लिया था कि इसकी जो देखरेख में, इसकी लीडरशिप में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो उसका नाम भी ध्यान रखना, जो नसीराबाद छावनी का जो क्रांतिकारी नेता था 1857 की क्रांति का, उसका नाम था बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति भड़की और यहाँ के अंग्रेज अधिकारी मारे गए, और यहाँ की 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो भी इनके साथ हो गई थी। और यहाँ से फिर ये नारे लगाते हुए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ गए। तब बताते हैं कि ये तो बढ़ गए दिल्ली की ओर चले गए, पीछे से बताते हैं कि वाल्टर तथा हितकोट नाम के दो ये अंग्रेज थे, इन्होंने मेवाड़ की सेना का सहयोग लिया। मेवाड़ की सेना से इन क्रांतिकारियों का क्या किया था, पीछा किया था। जब इनको मालूम चला कि भाई नसीराबाद की छावनी में जो भड़क चुकी है क्रांति, और इन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया, अंग्रेज अधिकारी वगैरह मारे जा चुके हैं, और वो जो जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे दिल्ली की ओर कूच किए हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं। तब वाल्टर तथा हितकोट ने मेवाड़ के जो राजा थे उनसे सहयोग लिया, उनसे सेना लेकर इनका पीछा किया, लेकिन ये इनके हाथ नहीं लगे, क्रांतिकारी हाथ इनके नहीं लगे। आगे बात समझ में। अब एक चीज सोचो कि ये जो भी जहां भी राजस्थान में अपने क्रांति हो रही है, कहीं पर भी हो रही है, ये सीधे दिल्ली क्यों जा रहे हैं? ये दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि क्रांति में ये भी एड था कि अपने जब हम सारे के सारे क्या होंगे, अपनी अपनी जगहों पर विद्रोह कर देंगे, वहां जितने भी अधिकारी हैं उनको मार डालेंगे अंग्रेजों अधिकारियों को, और सभी के सभी कहां आ जाएंगे, दिल्ली। और दिल्ली में जो अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हम क्या करेंगे, इन अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त कर देंगे, ये इनका क्या था, टारगेट था। तो ये सब किस तरफ चले, बहादुर शाह जफर की तरफ। हालांकि ये मुगल था, इन मुगलों का भी खूब अत्याचार था, लेकिन ये इनको अपना क्या मानते थे, राजा मानते थे कि भाई अब बच्चे खुचे जो भी हैं यही हैं अपने। तो ओवरऑल भारत में जो इस 1857 की क्रांति का नेता कौन हो गया, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये इतनी बात है जो 1857 की क्रांति का मैंने अभी आपको इंट्रो करवाया है, इसको आज हम क्या करते हैं, एक नोट्स में पढ़ लेते हैं। जितना मैंने अभी समझाया ना आपको, ये टोटल इस सभी के सभी मटेरियल को हम नोट्स में पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ो। तो चलिए नोट्स पर, ये रहे अपने नोट्स। तो आज से शुरू है अपना आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। अब देखिए ये सहायक संधियाँ, सहायक संधियाँ क्या थी कि हम भाई आपकी आंतरिक जो सुरक्षा है उसका जिम्मा भी लेते हैं, और जो आपकी विदेश नीति में हम जो भागीदारी निभाएंगे अपने से जितना हो सकेगा वो आपके हित में करेंगे, और इसकी अवज में हमको क्या देनी होगी, एक निश्चित राशि। तो ये चीज़ किसने बताई थी, ये नीति किसकी थी, लॉर्ड वेलेजली की। तो लॉर्ड वेलेजली का जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना है, 1758 से लेकर 1805 ईस्वी तक का। तो इसमें सबसे पहले भरतपुर ने की थी ये संधि 29 सितंबर 1803 को, और उसके बाद अलवर ने की 14 नवंबर 1803 को। और आश्रित पार्थक्य की नीति, सबॉर्डिनेट अलायंस, तो ये नीति लेकर आया था लॉर्ड होर्डिंग्स ने, और इसका शासनकाल था 1817 से 1823 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले करौली ने 15 नवंबर 1817 ईस्वी को संधि की, और उसके बाद कोटा ने की थी 26 दिसंबर 1817 को। ठीक है, और सबसे अंत में सिरोही रियासत थी, उसने 1823 ईस्वी को ये क्या की थी, संधि स्वीकार की थी। इन जो 1817 और 18 की ये जो यहाँ पर संधियाँ हुई थी, 1818 ईस्वी तक मैंने आपको बताया कि सिरोही रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने क्या कर ली थी, ये संधियाँ स्वीकार कर ली थी। और इन संधियों को कराने में चार्ल्स मेटकॉफ और कर्नल जेम्स टोड की क्या थी, मुख्य भूमिका थी, मेन रोल इन्हीं ने अदा किया था। ठीक है विद्यार्थियों, 1832 ईस्वी में अंग्रेजों का राजस्थान में मुख्यालय कौन सा था, अजमेर, अजमेर था इनका मुख्यालय। और
लोकेट था वो प्रथम राजस्थान का प्रथम एजीजी था। एजीजी माने एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि राजस्थान में अंग्रेजों का राज्य स्तर का अधिकारी। शीतकाल में अंग्रेज है अंग्रेज ऑफिसर जो एजीजी था वो अजमेर में अपना क्या लगाता था ऑफिस, और गर्मी में कहाँ चला जाता, आबू, क्योंकि इसको क्या लगती थी यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती थी अजमेर में। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत का गवर्नर जनरल बना, उसने क्या किया था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति अपनाई, ठीक है, ये नहीं संतान, ये नहीं, ऐसे लिखो इसको, विलय की नीति, ठीक है, यहाँ पर कर लेना, विलय की नीति अपनाई। वो विलय की नीति क्या थी कि राजा के नी संतान मरने पर उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, और इसके तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को और फिर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा कर लेना है, ये जो नी संतान वाला अगला चल रहा था दिमाग में, तो ये लिख दिए, यहाँ पर नीति कर लेना, विलय की नीति, ध्यान से नोट करना इसको। अब देखो आगे, 1857 में जो अंग्रेजों का यहाँ प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार था, तो देखो ब्रिटिश पीएम था 1857 में पार्म ईस्टर्न, फिर भारत में जो अपने भारत का जो अधिकारी था अंग्रेजों का मेन ऑफिसर इंडिया में वो था जीजी गवर्नर जनरल, तो वो 1857 की क्रांति के समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और ये राज्य स्तर का अधिकारी अपने राजस्थान में एजीजी कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और इसने रियासतों में जो पीए छोड़ रखे थे पॉलिटिकल एजेंट वो कौन कौन से थे, तो कोटा में था मेजर बर्टन, मेवाड़ में था मेजर सावर्स, भरतपुर में था मॉरिसन, ठीक है, और मारवाड़ में मैक्सेसन, और जयपुर में कर्नल ईडन, ये लोग थे। अब राजस्थान में उस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, पहली थी नसीराबाद, दूसरी थी नीमच एमपी, तीसरी एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, और खेरवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर अजमेर, ठीक है, ये मैं डेट वाला लोचा भी बताऊंगा आपको। क्रांति समस्त भारत में एक साथ 31 मई को होनी थी, लेकिन 10 मई को मेरठ छावनी से क्रांति की क्या हो गई थी, शुरुआत, अर्थात क्रांति है वो समय से पहले ही क्या हो गई थी, बढ़क गई थी, समय से पहले ही बढ़क गई। और 1857 की क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह वो क्या थे, कमल और चपाती, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको आज सिर्फ नसीराबाद वाला जो क्रांति थी उसके बारे में बताया था। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी, नसीराबाद से सर्वप्रथम 28 मई 1857 ईस्वी को। क्रांतिकारी नेता था यहाँ का बख्तावर सिंह, तो बताते हैं कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया था और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी साथ दिया। कैप्टन न्यूबरी और वुड, ये जो यहाँ छावनी में अंग्रेजों के क्या थे, ऑफिसर थे, ये अधिकारी यहाँ पर मारे गए और क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली क्यों गए, बहादुर शाह जफर के पास, कि भाई उसको अपना नेता बनाएंगे और क्या करेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। तब बताते हैं कि ये जब दिल्ली गए तो वाल्टर तथा हितकोट ने मेवाड़ की सेना के साथ उनका पीछा किया, लेकिन क्या रहे, असफल रहे। अब ये मैं डेट वाला बताता हूँ, डेट वाला ये है कि 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति हुई, शुरू हुई यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद में 3 जून 1857 को नीमच एमपी में, 21 अगस्त 3 जून के बाद में देखो 4 जून को हो गई देवली टोंक में, और उसके बाद में 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा पाली में क्या हो गई थी, क्रांति की शुरुआत हो गई थी, विद्रोह कर दिया था सैनिकों ने, और खेरवाड़ा उदयपुर वाला और ब्यावर अजमेर, इन दो जो ये थी सैनिक छावनियाँ, यहाँ पर क्रांति बिल्कुल भी नहीं बढ़की, यानी कि यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह भी नहीं किया। तभी आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने बताया कि जो अपना एजीजी था अंग्रेज वाला, अंग्रेज यहाँ अजमेर में, जब उसको लगा कि भाई ऐसी ऐसी क्रांति की हवा चल रही है, तब आपको पता है इसने ब्यावर से दो मेर जो सैनिकों की टुकड़ियाँ थी, दो टुकड़ियाँ मेर सैनिकों की ब्यावर से मंगवा ली थी, ठीक है, तो उसने ब्यावर से ही क्यों मंगवाई, तो बताते हैं कि जो ब्यावर की जो ये टुकड़ियाँ थी, ये जो सैनिक छावनी थी
वो अंग्रेजों की सबसे विश्वसनीय, मतलब ऐसी सैनिक छावनी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सके, अंग्रेजों की सबसे विश्वसनीय सैनिक छावनियों में से एक थी। ठीक है, सबसे विश्वसनीय यही थी ब्यावर वाली। और देख लो हुआ भी यही, ये ब्यावर वालों ने विद्रोह ही नहीं किया। तो आपको पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति में कौन सी दो सैनिक छावनियों में छावनी के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया? तो एक खेरवाड़ा जो उदयपुर में पड़ता है वो, और एक ब्यावर अजमेर वाला, इन दो सैनिक छावनियों के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। और ये बाकी जो सैनिक छावनियां थी उनकी ये डेट है। आ गई बात समझ में? तो आज हमने क्या पढ़ा, 1857 की क्रांति का इंट्रो, कि भाई 1857 की क्रांति क्यों भड़की, अंग्रेज पहले यहाँ आए कैसे थे, उन्होंने शुरुआत में कैसे कैसे प्रलोभन देकर यहाँ के राजाओं को अपना गुलाम बनाया, फिर धीरे 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 जो गुलामी की हद थी वो बढ़ती गई और लास्ट में आकर यहाँ की जो पूरी जनता वगैरह पूरी तरीके से परेशान हो गई। उन्होंने यहाँ की जनता में राजाओं के प्रति ये विश्वास किस प्रकार से पैदा किया था, कुल मिलाकर अपनी धाक कैसे जमाई, बाद में जनता कितनी परेशान हो गई, तब 1857 की क्रांति के लिए कि सबको बताएं कितनी तारीख को करना है, उसके लिए क्या क्या स्टोरी हुई सारी, उसके बाद में क्रांति ये सफल क्यों रही वो भी बता दिया, समय से पहले भड़की और भड़कने का कारण क्या था, तात्कालिक कारण, तो वो भी बता दिया, कारतूस वाली स्टोरी थी। और अंग्रेजों का प्रशासनिक ढांचा कैसे था, वो ब्रिटेन से कैसे हैंडल करते थे, कहाँ कहाँ कौन से अधिकारी रखते थे, वो भी आपको बता दिया। और यहाँ पर अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियाँ थी, किस सैनिक छावनी में कब विद्रोह हुआ, विद्रोह का कारण क्या था, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने पढ़ी। और नसीराबाद की जो छावनी वाला विद्रोह था वो भी हमने पढ़ लिया, और जो पढ़ा वो सारा का सारा इस पीडीएफ में है। इस पीडीएफ को यदि आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो वीडियो को, और अपने आसपास के लोगों को बताओ कि भाई एक ऐसा चैनल है जिस पर सेकंड ग्रेड की फ्री तैयारी वगैरह करवाई जा रही है, तो हमारे स्टार प्रचारक आप ही हो। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।